हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के एक्सरसाइज 9.1 का 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन अ पर्टिकुलर सीजन। एक पर्टिकुलर सीजन में 6 फ्रूट मर्चेंट्स मतलब फ्रूट बेचने वाले फ्रूट्स की बास्केट को सेल कर रहे हैं, जिसकी लिस्ट हमें नीचे दी हुई है पिक्टोग्राफ में, यहाँ पर इसके दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग नाम से यहाँ पर फ्रूट मर्चेंट लिखे हुए हैं और यहाँ पर पिक्टोग्राफ में ये फ्रूट की बास्केट दिखाई हुई है और ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है कि एक बास्केट का मतलब 100 फ्रूट बास्केट है। मतलब जहां पर की एक बास्केट बनी हुई है वहां पर मतलब है 100 फ्रूट बास्केट का। तो हम एक बास्केट को 100 फ्रूट बास्केट मानेंगे। जैसे रहीम के में 4 फ्रूट की बास्केट बनी हुई है तो हम 4 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, यानी 4 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और 400 बास्केट रहीम सेल करता है, ऐसा हम मानेंगे। और इसी तरह से हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पॉइंट इसका, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। तो देखिए आप पिक्टोग्राफ में हम देखते हैं सबसे लंबी बास्केट की लाइन किसकी है, ये मार्टिन की है। मतलब मार्टिन ने सबसे ज्यादा बास्केट सेल किए हैं। तो हमें लिखना कैसे है ऐसे, ए पॉइंट मार्टिन सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। बी पॉइंट पढ़ते हैं, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। मतलब अनवर ने कितनी फ्रूट बास्केट बेची हैं। तो देखो यहां पर हम देखेंगे पिक्टोग्राफ में अनवर कहां पर लिखा हुआ है और इसके आगे कितनी फ्रूट बास्केट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फ्रूट बास्केट है, हम 7 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहां पर आएगा 700। मतलब अनवर ने 700 बास्केट बेची है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, बी पॉइंट डालते हैं, अनवर सोल्ड 700 फ्रूट बास्केट्स। सी पॉइंट पढ़ते हैं, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। तो यहां पर लिखा हुआ है कि वो मर्चेंट्स जिन्होंने 600 या 600 से ज्यादा बास्केट सेल की है वो अपने अगले सीजन के लिए गोडाउन खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमें उनके नाम बताने हैं कि वो मर्चेंट कौन कौन से हैं। तो इस पिक्टोग्राफ में हम सबके आगे लिख लेते हैं कि किसने कितनी बास्केट सेल की है। तो देखो रहीम ने 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, यानी 400 बास्केट सेल किए हैं। इसी तरह लखन पाल ने 1 2 3 4 5 और ये 5.5, यानी कि ये आधी बास्केट है ना, तो इसे हम 0.5 मानेंगे। तो 5.5 बास्केट सेल किए हैं, मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो यहां पर आएगा 550। और इसी तरह से हम सबके आगे लिख लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किसकी बास्केट 600 या उससे ज्यादा की है। तो देखो एक तो अनवर की 700 है, एक मार्टिन की 950 है और एक रंजीत सिंह की 800 है। बस ये तीन है जो कि 600 से ज्यादा है, हमें इन्हीं के नाम आंसर में लिखने हैं। यहां पर हमें सेंटेंस नहीं बनाना है क्योंकि इन्होंने सिर्फ नाम पूछा है, तो हम नाम ही लिखेंगे यहां पर, मार्टिन, अनवर और रंजीत सिंह। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें और आपके बुक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। हैव ए गुड डे। जय श्री राम।